हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो आज है संडे और संडे की टाइम जो मैं बता दूँ 8 या 8:30 हो रहे होंगे। तो ब्रश वगैरह कर कर चाय वगैरह पी कर मैं ऊपर आई हूँ अपने मतलब बेड ठीक करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए। तो अबीर को यहाँ पे मैं उठा रही थी और मैंने देखा आप लोगों ने उसका, मैंने पैर खींच कर जो उसको थोड़ा सामने लाया, तो वो डेली मुझसे करवाता है कि मेरा पैर खींचो फिर मैं आऊँगा। और यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं ज़ोर से टान रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा वीडियो को मैंने स्पीड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था, तो उसके पीछे भी मुझे 5-7 मिनट उसे लगते हैं उठाने में। वो बोलता है मम्मी मेरे पैर को खींचो फिर मैं उठूँगा, तो वही हो गया। उसको उठाने के बाद मैंने यहाँ पर बेड वगैरह ठीक कर लिया है और इसके बाद फिर मैं अपना जो है झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट करूँगी। तो पहले अपने रूम को ठीक किया और ये बरामदे में आ गई हूँ जहाँ पर अभी ट्यूशन पढ़ता है। यहाँ कोई सोता नहीं है, हाँ कोई गेस्ट आ जाए जहाँ अधिक लोग हो जाए तब यहाँ सोते हैं, नहीं तो अभी यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन पढ़ता है। तो बेड वगैरह सब ठीक कर लिया है, कुछ सामान इधर उधर पड़े थे सब उनको मैंने अरेंज कर दिया, जगह पर रख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर किया है, तो रूम से लेते हुए और ऊपर की सीढ़ियाँ वगैरह सब मैंने लगा लिया है। बरामदे से होते हुए मैं अब नीचे वाले घर पे मतलब नीचे वाले कमरों में जाऊँगी, तो फिर वहाँ झाड़ू वगैरह लगा लिया है, पोछा भी नहीं लगाया। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई किचन में, तो यहाँ पर मैं आई हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए। आज संडे है और संडे को और किसी दिन बने या ना बने, आज के दिन बनता ही है पकौड़ी क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो इसीलिए। और यहाँ पर पत्ता गोभी थोड़ी सी रखी हुई थी और थोड़ा सा फूल गोभी था, तो मैंने इसको ही काट कर छोटे छोटे पीस में यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पकौड़ियाँ वगैरह बना लूँगी, फिर नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर मैं जाऊँगी ऊपर से मतलब पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ, पानी वगैरह अपना हथियार सब लेकर, झाड़ू पोछा मतलब कर तो लिया, झाड़ू तो कर लिया, पोछा लगाने की बारी, तो यहाँ फ़ैन वगैरह सब ऑन कर देती हूँ कि जल्दी से सूख जाएगा, नहीं तो फिर अगर कोई आया अगर फ़ैन ना चलाओ जल्दी से ना सूखे तो पूरे में जो है पैरों के दाग हो जाते हैं। तो वैसे ही ऊपर अभी कोई आने वाला नहीं है, तो ऊपर से होते हुए मैं नीचे की ओर जाऊंगी। और मैं सच बोलूँ तो डेली पोछा ऊपर में नहीं लगाती हूँ, नीचे लगता है ऊपर नहीं लगता है। और आज के दिन तो खासकर मैं लगाती हूँ क्योंकि आज अबीर के ट्यूशन सर नहीं आते हैं, तो ऊपर बिल्कुल खाली रहता है अभी कोई नहीं, नहीं तो फिर इस टाइम तक उसके ट्यूशन सर आ जाते हैं तो फिर पोछा वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो फिर मुझे सुबह जल्दी ही करना पड़ता है। तो अभी ऊपर से पोछा लगाते हुए मैं नीचे आई, तो पापा हटिया गए थे आज के दिन भी, हमारे थोड़े से दूर में रानी सर है वहाँ हटिया लगती है, तो पापा गए थे सब्जी वगैरह लाने, तो ये 2 फूल के पौधे लेकर आए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं देख रही थी तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर ये मिट्टी को आप कवर कर दो या कुछ आर्टिफिशियल पॉट में आप लगा दो तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये मतलब रियल के फूल हैं, लग रहा था कि प्लास्टिक के ही फूल हैं अगर घर के अंदर रख दिया जाए तो। तो अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो गर्मी वाले फूल अब आएंगे, तो ये गेंदा का फूल सब अब मुरझा रहे हैं सूख रहे हैं, तो ये सब फूल अब गर्मी वाले आ गए हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं। और एक करी पत्ता भी का भी पौधा है। तो मेरा पोछा वगैरह सब हो चुका है, काम सब खत्म हो चुका है, तब मैं नहाने जाऊँगी। और मेरे फुलिया पर थोड़ा मत जाइएगा, बालों में ऑयलिंग की हुई है, कल रात मैंने ऑयलिंग की है, तो आज शैम्पू भी करूँगी, तो चिपचिप सा लग रहा है थोड़ा सा ना, तो ठीक है अब मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को मतलब वीडियो बनाऊँगी आगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, लेट हो रहा है, संडे को मेरा लेट होता ही है। वैसे मेरा जल्दी नहाना नहीं होता, मैं थोड़ा सा लेट से नहाती हूँ, नाश्ता वगैरह करके सारे काम खत्म करके मैं नहाती हूँ, पूजा वगैरह जितना होता है माँ ही करती, पूजा नहा कर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज लंच में जो है चिकन बनेगा और संडे है इसलिए संडे को ही मोस्टली हम बनाते हैं, तो नॉनवेज वगैरह कुछ भी हो तो संडे है, आज चिकन बनेगा, तो चिकन आ भी चुका है, आ चुका है मार्केट करके। और इस घर की फैन चल रही है, एक घर पोछा लगाया था ना, तो चिकन आ चुका है, रखा हुआ है धोकर, मैं दिखाऊंगी नहीं, अच्छा नहीं लगता बहुत किसी को कच्चा मांस देखना पसंद नहीं होता इसलिए। और आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, हमारे यहाँ बनता है नॉनवेज वगैरह तो प्लीज़ आप लोग को सॉरी। तो चिकन जो है हस्बैंड बनाएंगे, वो आज घर पे है इसीलिए, तो मैंने बोला कि आप बना दोगे, बोला हाँ ठीक है बना दूंगा, तो मैं अभी नहा कर आती हूँ, फिर मसाला तो पीस कर रख लिया है, सिर्फ प्याज वगैरह कट करके दे दूंगी तो वो बना देंगे, और चावल बनेगा बस और कुछ नहीं। पूछती हूँ चावल खाएंगे या रोटी, तो देखूँगी जो बना दूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि चिकन में रोटी ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इसलिए। तो ठीक है मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। Thank you.
मैं बिल्कुल रेडी हूँ नहा धोकर, और क्रीम वगैरह सब कुछ लगा लिया है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पर्दे वगैरह थोड़ा सा लगा देती हूँ, अब जाऊँगी लाइट वगैरह ऑफ करके नीचे, क्योंकि लंच बनेगा तो लंच में सिर्फ चावल ही बनाऊँगी। पूछा मैंने तो उन लोगों ने बोला नहीं चावल ही बना दो, और ये भीगे गमछे रखे हुए मैंने बाल पूछा था, तो उसको मैं धूप में दे दूँगी। तो लाइट वगैरह यहाँ की ऑफ कर देती हूँ, अब गुड चलते हैं आफ्टरनून। अभी नीचे। दोपहर के 3 बज चुके, पूरा 3 बज रहा है, और अभी खाना पीना खा के मैं जस्ट ऊपर आई हूँ और खिड़की वगैरह बंद किया है, पर्दे भी लगा देती हूँ। तो और मैं गई थी नीचे कि मैं दिखाती हूँ कि हस्बैंड बना रहे हैं चिकन, और मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रही है। मैं नीचे गई तो देखा हस्बैंड मतलब आधा चिकन बन चुका था, तो मैंने बोला कि ठीक है अब आधा बन चुका था, मैं क्या दिखाऊँ, बनने के बाद ही दिखाऊंगी कैसा बना है वो। तो उसके बाद वो बनाने लगे, फिर मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दिया, तो एक साइड में हो गया खाना। आज तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था तो चावल पक रहा, तो इस बीच में मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे काम किया कि हस्बैंड का कर रहे हैं, तो भात और चावल तो टाइम लगेगा बनने में, तो इधर कुछ कुछ काम करने लगी, कपड़े वगैरह समेटने लगी इधर उधर। फिर अबीर को नहलाया, तो बोला कि ठीक है बाद में आप लोग को चिकन दिखाती हूँ। फिर अबीर को नहलाने के चक्कर में इस बीच मैंने फ़ोन को चार्ज लगा दिया, कि सुबह से अच्छे से लगाया नहीं था। वीडियो बनाने में होता है ये, फोन बैटरी बहुत लो मतलब ख़त्म होती है वीडियो वगैरह बनाने में। तो फिर इस बीच अबीर को नहलाया, फिर चिकन बन गया था, तो उसे बिना झाल वाला खिलाना था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप बिना मतलब ज़्यादा मिर्च वाले थोड़ा सा निकाल दो, फिर मिर्च देकर फिर मैं वीडियो दिखाऊंगी सबको। और ठीक है तब तक मैं उसे खिलाने लगी, अच्छा उधर जब तक मिर्च देकर थोड़ा सा उबलता है तब फिर मैं दिखाऊंगी। फिर क्या हुआ, हड़बड़ में अबीर को नॉनवेज खिलाना मतलब सरदर्द वाला काम है। उसके पीछे मुझे आधे घंटे लगते हैं, नॉनवेज वगैरह कुछ भी खाता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ कि खा ले। तो उसको खिलाने के चक्कर में भूल ही गई कि मुझे वीडियो बनाना है। फिर हमारा खाने का टाइम हो गया, पापा नहा चुके थे, हस्बैंड भी नहा चुके थे, वो डायरेक्ट चिकन बनाकर नहाने चले गए। तो फिर वो लोग आ गए तो हड़बड़ी में कि अब खाना देना है, खाने निकालने लगी। फिर मैं बैठ गई, खाने के लिए बैठ गई, तब मुझे आया कि मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं। तो फिर वही मन में मैं हंस रही थी, अभी खाना खा के फिर ऊपर आई कि मैं जब भी बोलती हूँ कि मैं चिकन हस्बैंड बना रहे हैं अच्छे से मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और मेरे मायके में एक भैया है, मेरे भैया के दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो वो हमेशा बोलते हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर भी है, कभी कभी मेरा ब्लॉग भी देखते हैं, तो वो बोला कि तुम हमेशा बोलती हो कि हस्बैंड चिकन बनाएंगे लेकिन तुम दिखाती नहीं अच्छे से। तो वही वाली बात मुझे याद आ गई, मुझे हंसी भी लग रही थी। तो वो फिर आज देखेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि तुम हमेशा बोलती हो पर दिखाती नहीं हो। तो ठीक है होता है ना, जैसा सोच कोई भी सोचा हुआ काम कभी नहीं होता, इसलिए तुरंत वो काम कर लेना चाहिए। और मैंने दिखा जो चीज़ सोचो वो कभी काम पूरा नहीं होता है। तो ठीक है अब मैं कंघी करने आई हूँ, थोड़ा सा सीरम लगाऊंगी बालों में, बहुत पूरा सूख चुका है मेरे बाल, लगाना तो चाहिए था हल्के गीलों में सीरम को। कोई बात नहीं थोड़ा सा लगाती हूँ, कंघी थोड़ा सा वगैरह लेट करती गई हूँ। थी, और अभी जस्ट हस्बैंड और अबीर पता नहीं कहाँ, 3 बजे से अभी 5 बज गए हैं, अभी आ रहे हैं, और अबीर आते ही मुझे खूब कोच रहे हैं कि माँ कहाँ हो, नीचे आइए हम लोग आ चुके हैं। तो मैं लेटी हुई थी, तो चलिए थोड़ा सा कंघी करके फिर मैं नीचे जाऊँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी। तो जैसा मैंने बोला हस्बैंड बाहर गए थे, मतलब लोकल में ही गए थे, तो वहाँ मैंने बोला था हॉलिस ख़त्म हो गई है अबीर की, आप लेते आइएगा, तो वही हॉलिस का पैकेट मैं अभी यहाँ रख रही थी, अभी इसको डब्बे में डाल कर रखूँगी। तो फिलहाल अभी जो दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं इनको पहले मैं अरेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि जब तक ये खाली नहीं होगी मैं दूसरा कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी, यहाँ पर सारा मतलब बर्तन रखा हुआ रहता है। तो फिलहाल अभी मैंने एक साइड में गैस को ऑन करके दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक बर्तन भी अरेंज करूँगी क्यों खाली मतलब टाइम बर्बाद हो, दूध इधर गर्म होगी धीरे धीरे, क्योंकि फिर दूध और हॉर्लिक्स घोलकर अबीर को मैं दूंगी, उसको शाम में थोड़ा सा दूध मैं देती हूँ बिस्किट के साथ, तो वो अभी लेगा, और हमारे लिए जो है अभी चाय बनाए मतलब चाय बनाऊँगी हमारे लिए। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी बिल्कुल बनकर रेडी है, तो सबको मैं चाय देती हूँ और चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। शाम टाइम बता दूँ, 6:30 बज रहे हैं, और चाय वगैरह पीने के टाइम में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, चाय बना रही थी तब मैंने वीडियो बनाया था। और अभी मैं रात के डिनर के लिए मतलब तैयारी करने आई हूँ, तो दिन में नॉनवेज बना था मतलब चिकन बना था, तो जब भी हमारे घर में दिन में अगर नॉनवेज बनता है तो मोस्टली रात में कोई भी हैवी खाना नहीं खाता है, रोटी वगैरह बहुत कम ही मतलब रेयर ही कभी कभी बनाते हैं, नहीं तो अधिकतर संडे को तो या जिस दिन भी दिन में नॉनवेज बने हमारे यहाँ फिर रात में रोटी नहीं बनती है, मतलब हैवी खाना नहीं खाते, हल्का कुछ खाएंगे। तो खाने में भी मैं बनाने को मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ तब समझ में आएगा आप लोग को। देखिए इसे बोलते हैं बरबटी,
और कोई पहचानते भी होंगे, देख सकते हो आप। तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है, मतलब सूखा ही इसको मैंने कढ़ाई में इसको रोस्ट किया हुआ था, मतलब किया हुआ था अगले दिन, और मैंने बनाया था उस दिन का ही रखा हुआ है। और इधर मैंने काटा है आलू, बैंगन और सीम छोटे छोटे पीस में। तो इन दोनों को धोकर अच्छे से कुकर में नमक, मिर्च और थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इनको सीटी लगा दूँगी। तो और इसमें थोड़ा सा पतला पतला ही रहेगा, तो ये हमारे यहाँ बनेगा। तो इसे जो है हम लोग मूढ़ी के साथ खाएंगे, ठीक है। तो बहुत कोई मूढ़ी को जानते भी होंगे कि किसे मूढ़ी बोलते हैं आप, देखो तो जो भी बोलते हो पता नहीं, और बहुत जगह पे शायद मुरमुरा भी बोलते हैं, और हमारे बिहार, झारखंड, बंगाल में ये सब में मूढ़ी बोलते हैं। तो वही खाएंगे इसके साथ। तो मैंने धो भी लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको इसमें मसाला वगैरह ऐड करके, फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, धोकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है जितना बॉयल करने के लिए मुझे लगेगा पकने में। तो इसमें सब कुछ खड़ा ही पड़ता है ऐसे ही डायरेक्ट, इसमें कुछ मतलब कुछ भी नहीं करना होता। मसाला थोड़ा सा मैंने पाउडर सब ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों तेल दे रही हूँ। तो बस इसका अब मैं जो है ढक्कन लगा दूँगी, और इसमें कम से कम 6-7 सीटी तो लगेंगे ही। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि इसको पतला पतला ही बनाना है। तो बनने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों तेल में जीरे का तड़का लगाया है, सरसों तेल में जीरा को मतलब चटका कर इसमें तड़का लगा दिया है, और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो अब जो है खाना वाना खा कर, सब कुछ किचन का काम करके मैं ऊपर आई हूँ। थोड़ा सा मैं रात में दूध लेती हूँ, मैं क्या सबको मैं देती हूँ, हस्बैंड, हम, मैं, मम्मी, पापा, जिस दिन रोटी वगैरह ना हो हम लोग तो पीते हैं, पर पापा दूध के साथ थोड़ा सा लेते हैं रोटी के साथ, वो खाते हैं। जिस दिन रोटी ना हो ऐसे खाली दूध हम सब पीते हैं रात में। तो वीडियो का भी एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।